साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको बालों के जरिए धन प्राप्ति का, मनोकामना प्राप्ति का और किसी भी परेशानी से मुक्ति के लिए एक बहुत ही खास प्रयोग आपको बता रहा हूं। दोस्तों देखिए, आपके जो बाल होते हैं, आपके जो कपड़े होते हैं और आपके जो नाखून होते हैं, इसमें आपकी एक एनर्जी होती है। और आपके शिखा के जो बाल होते हैं, इसमें तो कहा जाए ब्रह्मांड की समस्त प्रकार की एनर्जी समाहित होती है। आपने देखा होगा जब किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत या कोई ऐसी कोई तंत्र बाधा पड़ जाती है, तो जब उसका उतारा वगैरह किया जाता है तो शिखा के बाल ही पकड़े जाते हैं। क्योंकि शिखा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी समाहित होती है। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी हम यहीं से ऑब्जर्व करते हैं। कभी भी दोस्तों अपने बाल, अपने कपड़े, अपने नाखून यहां वहां कभी ना डालें। क्योंकि देखिए, बालों से कभी कभी कोई ऐसे तंत्र प्रयोग कर देता है जिससे कि हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है या फिर हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। नाखूनों को, बालों को कभी भी ऐसी जगह ना फेंकें जिससे कि वो किसी के हाथ में लग जाए, ठीक है? इनको ऐसी जगह डालें, गुप्त तरीके से फेंकें कि किसी के हाथ में ना लगें। आज मैं आपको एक खास प्रयोग बता रहा हूं जो आप धन भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ में कोई मनोकामना पूर्ति भी कर सकते हैं, कोई आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बाधा है तो उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्याओं का समाधान चाहते हैं, यदि कर्ज बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पति पत्नी मन मन है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आपके पास में यदि बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो करंट फोटो से फेस रीडिंग या पाम रीडिंग भी आप ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है उसका सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोग अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, अगर घर का वास्तु यदि खराब होता है तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक बार अपने घर का वास्तु जरूर चेक करा लें। वास्तु चेक कराने के लिए आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है? आज का जो प्रयोग बता रहा हूं, देखिए पहला प्रयोग बता रहा हूं आपको धन प्राप्ति के लिए। आपने क्या करना है, एक बिना लाइनिंग वाला आपको कागज लेना है। कागज में आपको सबसे पहले अपनी मनोकामना उसमें रेड कलर के पेन से लिखनी है, ठीक है? आप उसमें लिख दें ओम धनाय नमो नमः और उसमें लिख दें अपार धन की प्राप्ति, ठीक है? अब आपने सीखा कि आपको बाल कट करने हैं, गिन करके 9 बाल, ठीक है, उसमें आपको डाल देना है जो आपने कागज में लिखा हुआ है। अब इसको आप क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में रेड कलर का कपड़ा ले लें, उसमें लपेट करके अपने लॉकर वगैरह में इसको कोई वजनदार चीज में दबा दें, जैसे पेपर वेट हो गया, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, उसको रख करके उसके ऊपर कोई वजनदार चीज रख दें, बस इसको आप वहां रखे रहने दीजिए। उसके बाद में देखिए 7 डेज या 11 डेज में चमत्कारिक रूप से पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा, यदि आपकी लाइफ में कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कोई भी देखिए पॉजिटिव चीज लिखना है तो रेड पेन से, मनोकामना पूर्ति चाहते हैं। अब एक आपको मनोकामना पूर्ति का बता देता हूं पहले, ठीक है? अब आपने क्या करना है, किसी भी दिन करें, एक बिना लाइनिंग वाला व्हाइट कलर का पेपर लें, रेड कलर से जो भी आपकी इच्छा है वो मनोकामना उसमें आपको लिख देनी है। अपने बाल आपको कट करने हैं, सिखा के बीचों बीच के यहां के बाल आप लेने हैं, ठीक है? 9 बाल उसमें आपको डाल देने हैं, इसको फोल्ड करके और पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है, उसके नीचे खड्डा खोद के उसको नीचे आपको दबा देना है। 11 दिन में आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना है वो आपकी पूरी हो जाएगी। आप एक के बाद एक जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। अब कोई भी यदि शत्रु आपको परेशान कर रहा है, दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, तो एक बिना लाइनिंग वाला कागज लेंगे, ब्लैक कलर से आप उसमें लिखेंगे
शत्रुबाधा, शत्रु का नाम पता है, शत्रु का नाम लिख दीजिए, 9 बाल उसमें अपने सिखा के रख दीजिए, इसको फोल्ड करके नीम के वृक्ष के नीचे आपको दबा देना है, नीम का वृक्ष आपको देखना है, ये शत्रु बाधा के लिए, ठीक है। अब कोई भी अगर कोई नेगेटिव चीज है आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं कि वो आपसे मुक्ति मिले, उससे शत्रु आप बाधा के अलावा कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस परेशानी से आप चाहते हैं कि मुक्ति मिले, तो आपने यही प्रयोग आपको मंगलवार या शनिवार के दिन में करना है, ठीक है। और इस प्रयोग को सूर्य अस्त के बाद में करना है। जो भी आपकी परेशानी है, परेशानी आपको ब्लैक कलर से व्हाइट कलर के पेपर में बिना लाइनिंग वाला कागज उसमें परेशानी लिख देनी है, परेशानी से मुक्ति लिख देना है, 9 बाल उसमें रख देने हैं, इसको फोल्ड करके और आपको नीम के वृक्ष के नीचे आपको दबा करके आ जाना है। सिर्फ एक बार ही ये प्रयोग करना है, उसके बाद में आप देखेंगे कि 11 या 21 दिन में जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक मैं आपको स्विचवर्ड दे रहा हूं, देखिए 9 बाल का जो प्रयोग मैंने आपको बताया तिजोरी में रखना है वो तो आपको रखना ही रखना है। अब एक काम और आपने करना है, इसके पहले मैंने एक स्विचवर्ड दिया हुआ था कि डिवाइन काउंट नाउ, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली इसका जाप करना है, इसमें कहीं ना कहीं से आपको अमाउंट आता रहता है। अब यदि मनी का फ्लो बढ़ाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हमेशा मनी का फ्लो बढ़ता जाए, तो आपको सिंपल एक काउंट करना, एक स्विचवर्ड का जाप करना है, चैंट करना है, काउंट, ओनली काउंट, ठीक है, काउंट 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 काउंट, इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, चैंट करेंगे। और साथ में आपको विजुलाइज करना है कि आपके पास में पैसा आ रहा है, मनी का फ्लो बढ़ रहा है। कोई भी मंत्रास या स्विचवर्ड जब चैंट करते हैं तो उसमें अपने इंटेंशन डालने जरूरी होते हैं, आपके दिमाग में वैसे विचार चलने चाहिए। तो जब आप काउंट 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 इस स्विचवर्ड का जाप करेंगे तो उसके बाद में पैसों के बारे में आपको सोचते भी जाना है कि पैसे आ रहे हैं, आप गिन रहे हैं, ठीक है। जितना आप विजुलाइज करेंगे उतना आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ता जाएगा। कोई भी स्विचवर्ड या एंजल नंबर जब 21 डेज तक कंटिन्यूसली हम जाप करते हैं तब ये एक्टिव होते हैं, और उसके बाद भी हम जाप करते रहते हैं तब इनका क्या होता है, एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। तो ये ना सोचे कि मैंने आज जाप किया, कल जाप किया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। कम से कम 21 डेज कंटिन्यू करें, उसके बाद में आप सोचे कि रिजल्ट आएगा, ठीक है। पूरे विश्वास के साथ में करके देखिए, कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। दोस्तों जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है उस तक इस जानकारी को शेयर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है।